Hello and good evening, all of you. Right, so all we are live. All right, Rahul, Chandresh, too. Good morning, good evening. Good evening, good evening, all of you. How are all of you doing? Quickly join in the session. जल्दी से सेशन को ज्वाइन इन कीजिए. दोज हु हैव नॉट येट शेयर्ड द सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर. एंड बिफोर वी बिगिन, टिल यू ऑल आर ज्वाइनिंग इन, जब तक सब लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं, लेट्स हैव अ व्यू की सेशन कैसा होगा. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और उनसे जुड़ा हुआ स्टैटिक जी के. एंड सेकेंड पार्ट में स्टैटिक जी के होगा, जिसको टॉपिक ओरिएंटेड रखा गया है. आज का टॉपिक है इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, राइट की खोजकर्ता और खोज जो नई नई हुई हैं उन सब के ऊपर आज का स्टैटिक का टॉपिक है. और करंट अफेयर्स में हम लोग करंट एंड स्टैटिक दोनों कवर करेंगे एज यूजुअल. सो बिफोर वी बिगिन, क्विकली शेयर द सेशन. गुड इवनिंग ध्रुव, अभिषेक, प्रिंस ऋषि, श्वेता, गुड इवनिंग. वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू. ज्वाइन इन ऑन टाइम. ऑल राइट, तो सेशन की शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. एंड शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स से. ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिव इन ऑल द सेगमेंट्स. और पहला क्वेश्चन है, कितने टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की तरफ से एक्रीडिएशन मिला है, मान्यता प्राप्त हुई है. कितने टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें ग्लोबल कंजर्वेशन एश ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई है. 14 एंड 18 के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है. इला, गुड इवनिंग. सूरज, ऋषि, निशांत, वंडरफुल. सबका आंसर, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्स ऑफ 14. जिनका आंसर 14 है, बिल्कुल सही. 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें हाल ही में ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की तरफ से एक्रीडिएशन या मान्यता प्राप्त हुई है. अब ये मान्यता दी गई थी अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस पे. तो ये दिवस कब था? व्हेन वाज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया था? बाकी ये उन जगहों के नाम है, यानी टाइगर रिजर्व के नाम है जिन्हें एक्रेडिएशन या मान्यता मिली है. ये कौन कौन से राज्य के अंदर है ये आप लोगों को बताना है. कौन कौन सा कौन से राज्य के अंदर है? 29th of July, बिल्कुल सही. अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस हुआ था 29 जुलाई, 29 जुलाई को, राइट. और जो टाइगर रिजर्व है उनमें से तीन है, मानस, काजीरंगा और ओरंग टाइगर रिजर्व. ये कहां पर है? ये तीनों होंगे असम के अंदर. मानस, काजीरंगा और ओरंग दोनों असम में, तीनों असम में है. सतपुरा, पन्ना और कान्हा, ये तीनों टाइगर रिजर्व मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर. दुधवा टाइगर रिजर्व मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर. ये सारे आपको स्टैटिक में कराए हुए हैं. वैसे पेंच टाइगर रिजर्व मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र और एमपी के बीच में शेयर्ड है. सुंदरबन से टाइगर रिजर्व मिलेगा पश्चिम बंगाल के अंदर. वाल्मीकि, पाराबिकुलम, मुदुमलाई और अन्नमलाई और बांदीपुर, ये चार भी बचे हैं. जल्दी से आंसर ऑन दीज. ये कौन कौन से स्टेट के अंदर है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर दीज? वाल्मीकि नगर, पारंबिकुलम, मधुमलाई और अन्नमलाई और बांदीपुर. स्टार्टिंग विद वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर मिलेगा बिहार के अंदर. पारंबिकुलम इज इन केरला, केरला के अंदर है. मधुमलाई और अन्नमलाई ये है तमिलनाडु के अंदर. अन्नमलाई हिल्स भी हैं, वेस्टर्न घाट्स की हिल्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? तमिलनाडु में ही. और बांदीपुर है कर्नाटका के अंदर. तो ये टाइगर रिजर्व है जो न्यूज में है, क्योंकि इन 14 टाइगर रिजर्व को एक्रेडिएशन दिया गया है. ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की तरफ से मान्यता मिली है. अंतरराष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हो गया, 14 है जिन्हें एक्रेडिएशन मिला है. यहां तक सारा क्लियर है? यहां तक ऑल आर क्लियर? ऑल राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व रेंजर दिवस, वर्ल्ड रेंजर डे, इनमें से किस दिन मनाया जाता है? व्हेन डू वी हैव वर्ल्ड रेंजर डे? विश्व रेंजर दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, विश्व रेंजर दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल रेंजर डे ऑब्जर्व? अमीश, राहुल, त्रिलोक, प्रिंस ऋषि, ऑल राइट, 31 जुलाई, श्योर, बिल्कुल सही, आज ही के दिन 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। नाउ ये मनाया जाता है इस दिन पे क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन बनाया गया था 31 जुलाई को। कौन से वर्ष में इसे बनाया गया था? पहली बार विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया था? व्हेन वाज़ द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन डे ऑब्जर्व? ऑल राइट, नाउ इसका आंसर, अंतरराष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन 31 जुलाई को बनाया गया था। कब? 1992 में, 1992 में इसे बनाया गया था। और इसकी 15वीं एनिवर्सरी थी 2007 के अंदर, तब से विश्व रेंजर दिवस मनाना शुरू हुआ है। राइट, सो 2007 में 15 साल कंप्लीट हो गए थे, 15 साल ये 15वीं एनिवर्सरी पे इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया गया। आई बिलीव यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक, जीआई आइटम, विच इज राजा मिर्ची को लंदन में निर्यात किया गया, पहली बार किया गया है, फर्स्ट टाइम एवर इसका एक्सपोर्ट या निर्यात किया गया, तो किंग चिली या राजा मिर्ची इनमें से किस राज्य की जीआई टैग है? इनमें से किस राज्य को जीआई टैग मिला हुआ है राजा मिर्ची के लिए, मिर्चा के लिए? नागालैंड, नागालैंड, ऑल गोइंग विद दैट, नीलिमा, ध्रुव, रश्मि, राहुल, श्वेता, अमीश, ऑल राइट, लॉट ऑफ आंसर्स, ऑल गोइंग विद नागालैंड, बिल्कुल सही आंसर, नागालैंड में है। और ये विश्व की 5 सबसे ज्यादा तीखी मिर्चियां जो है, हॉटेस्ट चिलीज वर्ल्ड की, उनकी टॉप 5 के अंदर आता है राजा मिर्चा, और इसे नागालैंड की तरफ से मिला हुआ है जीआई टैग। अब जीआई टैग कौन से वर्ष में दिया था, इन विच ईयर, कौन से वर्ष के अंदर इसे जीआई टैग दिया गया था, और इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑलराइट, अगर हम लोग बात करें कि इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे घोस्ट पेपर और भूत जोलोकिया के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज, इसे जीआई टैग कब दिया गया था? 2008 के अंदर इसे जीआई टैग दिया गया था। राइट, यहां तक क्लियर? नहीं, 13 में नहीं, 8 में, 2008 में मिल गया था, 2013 और 4 के बीच में। चलिए, यहां तक क्लियर, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, गिडो बेलिडो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है? इनमें से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? गिडो बेलिडो, गिडो बेलिडो को इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है? ऑल राइट, वी हैव ऑल द आंसर्स, पेरू, सबका आंसर एक ही तरफ, दैट इज पेरू, बिल्कुल सही, पेरू में के नए प्रधानमंत्री के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। पेरू की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? पेरू की राजधानी क्या है और ये कहाँ पर है? अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन से कॉन्टिनेंट में है? लीमा, दैट इज राइट, बिल्कुल सही, ऋषि, प्रिंस ऋषि, बिल्कुल सही, लीमा राजधानी है। और कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, इट इज इन साउथ अमेरिका। ठीक, ऑल राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने
एआई फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के साथ करार किया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज टाइड अप विद सीबीएसई? इनमें से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के साथ पार्टनरशिप करी है एआई फॉर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव के लिए? ऑल राइट, वी हैव आंसर्स। मोस्ट ऑफ यू हैव द सेम आंसर। कार्तिक, राहुल, श्वेता, ध्रुव, चेतन, अंतिमा, अभिषेक, वंडरफुल, वी आर ऑल गोइंग विद सेम आंसर। इंटेल, बिल्कुल सही। इंटेल का इनिशिएटिव है एआई फॉर ऑल और इसके लिए भागीदारी करी है या पार्टनरशिप करी है सीबीएसई के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। नाउ एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव कैसा है? ये 4 घंटे का सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम है, 4 आवर सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एआई अवेयरनेस और अप्रिसिएशन के अंदर। राइट, नाउ यहाँ पे आता है पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है? ये कहें केंद्रीय मंत्री कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है? नेक्स्ट इज इंटेल के सीईओ, इंटेल कब स्थापित हुआ था और इंटेल के मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहले क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है और फिर इंटेल से जुड़े हुए क्वेश्चन। धर्मेंद्र प्रधान जी, दैट बीइंग राइट, एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। देन इंटेल की बात करें तो इंटेल के करंट सीईओ है पैट्रिक पी गेल्सिंगर, पैट्रिक पी गेल्सिंगर स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसे स्थापित किया गया था। मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है। ना यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन और था जिसके बारे में बात हो रही थी, दैट वाज सीबीएसई। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई? यहाँ पे 3 संगठन थे, इंटेल का देख लिया, एजुकेशन मंत्रालय देख लिया, अब बचता है सीबीएसई। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? हु इज द करंट सीईओ चेयरपर्सन? श्वेता, हिमांशु, कार्तिक, सपना, वंडरफुल वंडरफुल। आंसर फॉर चेयरपर्सन इज मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जी इज द करंट चेयरपर्सन, प्रिंसेशी, बिल्कुल सही। ऑल राइट, तो यहां तक सारी चीजें एक्सपेक्टिंग क्लियर हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। वी हैव स्टिल 100 कवर होने में, वी आर 9 लेस। तो जल्दी से नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप टाइटल? राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जो हाल ही में पहली बार ऑर्गेनाइज हुई, वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था, प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन इट? ऋषि, सागर, राहुल, सपना, सुकृत, कार्तिक, श्वेता, वंडरफुल वंडरफुल, शिवम, ऑल राइट, वी आर ऑल गोइंग विद वंतिका अग्रवाल, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। वंतिका अग्रवाल जो है ये ऑनलाइन नेशनल ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती हैं और ये चैंपियनशिप पहली बार ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके अंदर वंतिका जी फर्स्ट पोजीशन पे थी, अर्पिता मुखर्जी वाज सेकंड रैंक, दूसरे स्थान पे थी, और श्रीजा शेषाद्री जो तमिलनाडु की है ये तीसरे स्थान पर थी। राइट, अब इसे ऑर्गेनाइज या आयोजित किसने किया था, किसके द्वारा आयोजित की गई, अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन है और उसके मुख्यालय कहाँ पर है? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से, ऑर्गेनाइज किसने किया था इसे, सबसे पहले आयोजित किसने किया? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा इसे स्थापित किया, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर।
कपूर जी इज द करंट प्रेसिडेंट, इसके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर इसके मुख्यालय है। नाउ आज सुबह वाले ही सेशन में इसका अंतरराष्ट्रीय संगठन डिस्कस किया था, दैट वाज FIDE, फिडे। तो इसके बारे में भी जल्दी से, दिस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बताएंगे। इसकी एस्टैब्लिश आता है तो 1951 में इसे स्थापित किया गया था। फिडे के बारे में जल्दी से, ये आज सुबह ही कराया तो आई एम एक्सपेक्टिंग सबको आंसर पता होगा। जल्दी से फिडे या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ये कब स्थापित हुआ, मुख्यालय कहाँ पर है, सीईओ कौन है? आहो, लॉसैन स्विट्जरलैंड। ऑलराइट, लॉसैन में इसके हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय हैं, बिल्कुल सही। लॉसैन के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसके बाद आता है कि इसके सीईओ कौन है, इसे स्थापित कब किया गया था और मेंबर कितने देश हैं। 1928 में, 28 से थोड़ा सा पहले, 24, 1924 के अंदर स्थापित हुआ था। और अगर इसका मेंबरशिप बात करें, 195 देश हैं जो इसके मेंबर हैं और सीईओ हैं जियोफ्रे डी बॉर्ग। जियोफ्रे डी बॉर्ग इज द सीईओ, ठीक है। फिडे इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसका वैसे फ्रेंच नाम है जिसकी वजह से इसका शॉर्ट फॉर्म फिडे है, लेकिन इसका इंटरनेशनल, इसका फुल नेम जो इंग्लिश में, वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, राइट। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आर की लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री इनमें से कहां पर बनाई जाने वाली है? आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कहां पर भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट आर की लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जाने वाली है? ऑल राइट, वी हैव आंसर्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अभिषेक, त्रिलोक सागर, बाकी सबके आंसर्स ध्रुव, त्रिलोक, सुकृत, अंतिमा, रश्मि। ऑलरेडी लॉट ऑफ आंसर्स एंड राइट आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नोएडा। बिल्कुल सही, नोएडा में स्थापित होगी। फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी जो है, फैक्ट्री है, वो गुजरात में थी और सबसे बड़ी 3 गीगावाट आर की नोएडा के अंदर स्थापित की जाने वाली है। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर, तीन सिंपल क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री, गवर्नर और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है? लिथियम ट्रायंगल, और राहुल रिमेम्बर्स दैट, दैट्स गुड। चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना, बिल्कुल सही। लिथियम ट्रायंगल जो है ये है साउथ अमेरिका के अंदर, दैट इज चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। और अगर बात करें सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का रिजर्व मिलेगा बोलीविया में। तो विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व बोलीविया में, जहां से भारत में लिथियम आता है, ये लिथियम ट्रायंगल है, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। एंड गवर्नर आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल सही, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर सबको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। इसका नाम क्या रखा गया है? लोहम। लोहम इज द नेम ऑफ दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री का नाम है, राइट। तो यहां तक सारा क्लियर? वी आर क्लियर टिल दिस पॉइंट? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने पीजो इलेक्ट्रिक आणविक क्रिस्टल विकसित किए हैं जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता के यांत्रिक क्षति को खुद से खुद को ठीक कर सकते हैं? यानी एक्सटर्नल रिपेयर की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके अपने आप रिपेयर हो जाएगा। ये पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इनमें से किसके द्वारा बनाए गए हैं? इनमें से किसने तैयार करे हैं ये?
अरे अंशुभम, चलो गेस करना होगा तो कौन सा? आईआईटी हैदराबाद, वो तो ऑप्शन में नहीं है। अमीश, कार्तिक, सुप्रे, ध्रुव, प्रियंका, सागर। ऑलरेडी अ लॉट ऑफ आंसर्स, ऑप्शन बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। आंसर इस वाले का IISER कोलकाता, और इसके साथ है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर दोनों में से कोई भी ऑप्शन में है तो वो वाला, और अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ सही होगा। IISER कोलकाता और IIT खड़गपुर, इन दोनों ने मिलके इसे तैयार किया है। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो मैकेनिकल अगर कोई भी डैमेज होता है तो अपने आप खुद को रिपेयर कर लेगा बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट है, एंड इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन दिस बुक? इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन दिस बुक? ये रिलीज भी होने वाली है, इट विल सून बी रिलीज, अभी रिलीज नहीं हुई है। कार्तिक, सागर, सुक्रेत, श्वेता, सबका आंसर ऑप्शन ए। अभिषेक, ध्रुव, वंडरफुल वंडरफुल, ऑल आर गोइंग विद ऑप्शन ए, दैट इज कुणाल बासु, बिल्कुल सही, दैट इज द राइट आंसर। ये बुक अभी रिलीज होने वाली है, 2022 में रिलीज होगी, कुणाल बासु द्वारा लिखी गई है, इन एन आइडियल वर्ल्ड। इसके अलावा कांति वाजपेयी जी ने भी अपनी एक बुक रिलीज करी है, और ये बुक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना, भारत वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त क्यों नहीं है, व्हाई वी आर नॉट फ्रेंड्स, ये बुक लिखी है कांति वाजपेयी जी ने, ठीक है? तो कांति वाजपेयी जी की है इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई वी आर नॉट फ्रेंड्स, और कुणाल बासु की है इन एन आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स का ये इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑल राइट, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है वो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। अब आएंगे स्टैटिक वाले पे। स्टैटिक सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से है देयर आर मल्टीपल इश्यूज, वो सारे इश्यूज इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। बॉर्डर इश्यूज है मेजरली। ऑलराइट, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, ये आज का टॉपिक है। बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द सेशन, राइट? ऑलराइट, तो ऑल रेडी फॉर दैट सेशन नाउ? ऑलराइट, तो इसके अंदर शुरुआत करते हैं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट, राइट? ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, रेडियम इनमें से किसने डिस्कवर किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड रेडियम? रेडियम इनमें से किसके द्वारा खोज किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड रेडियम? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी नोबेल प्राइजेस वाले सेक्शन में हम लोगों ने कवर किया था ये वाला, सागर, प्रिंस, सुप्रीत, चलो रश्मि, हाँ जी, आई शेयर दैट रश्मि, बिल्कुल आई शेयर इट टुडे, आज की दोनों पीडीएफ आई शेयर इट आफ्टर द सेशन, सुप्रीत, शशि, ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद द राइट आंसर, दैट बीइंग मारी क्यूरी। मारी क्यूरी इज द वन जिन्होंने रेडियम डिस्कवर किया था, और पोलोनियम भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो पोलोनियम की खोजकर्ता भी यही थी, रेडियम की भी यही थी। रेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 88 है रेडियम का एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, मोबाइल फोन किसने इन्वेंट किया था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इन्वेंटर ऑफ मोबाइल फोन्स? इनमें से कौन है जिसने मोबाइल फोन्स इन्वेंट करे थे? इट वाज देयर, बिल्कुल हुई थी, चलो 3 PM की क्लास भी हुई थी। ऑलराइट, जल्दी से, मोबाइल फोन्स वर इन्वेंटेड बाय होम? अंशुल, ऑल राइट, क्विकली आंसर अबाउट दिस।
कंपनी कौन सी थी जिसने मोबाइल फोन बनाए थे एंड इन्वेंटर मोस्ट ऑफ यू विद ऑप्शन थ्री मार्टिन कूपर। बिल्कुल सही, मार्टिन कूपर इज द वन जिन्होंने मोबाइल फोन्स इन्वेंट किए थे। वेयर एज फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी जिसने एक हाथ में लेने लायक मोबाइल फोन बनाया था, दैट वाज मोटोरोला। तो मोटरोला वॉज द वन जिसने सबसे पहले हाथ में लेने वाले मोबाइल फोन या हैंडी मोबाइल फोन्स बनाए थे, और इन्वेंटर वॉज मार्टिन कूपर या मार्टी कूपर, राइट? ये कौन से देश के थे अगर ये पूछते हैं तो ही वॉज अमेरिकन, अमेरिका के थे, राइट? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड अ बाइसिकल। इनमें से किसने साइकिल या बाइसिकल का आविष्कार किया था? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर या इन्वेंटर ऑफ बाइसिकल, किसने किया था? बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं, जल्दी से। यस, हेलो मोटो, नाम चेंज हो गया उसका, बिल्कुल, द नेम हैज बीन मॉडिफाइड। श्वेता, शिवानी, सागर, ऑल राइट, जल्दी से आंसर। अभिषेक, जिमलवर्स, रूप, शशि, ऑल राइट, गिव आंसर्स फॉर ऑप्शन ए, मैकमिलियन, जिन्होंने भी आंसर ए किया है, बिल्कुल सही। सुकृत, श्वेता, प्रियंका, ऑल आर राइट, मैकमिलियन इज द वन जिन्होंने बाइसिकल की डिस्कवरी करी थी, और ये कहाँ के हैं? ये स्कॉटलैंड के थे, ही वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड, स्कॉटिश ब्लैक स्मिथ थे। विल्हेम कॉनार्ड रॉन्टजेन ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? इसके लिए ने नोबेल प्राइज मिला हुआ है। विल्हेम कॉनार्ड रॉन्टजेन किसका आविष्कार किया था? इन्हें सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया था, नोबेल प्राइज वाली क्लास में ये कराया भी था, दिस वॉज डिस्कस्ड इन दैट सेशन। तो कौन सी फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, कौन से ईयर में दिया गया था, और किस चीज की डिस्कवरी थी? प्रिंस ऋषि, ध्रुव, राहुल, त्रिलोक, शुभम, दिव्या, अभिषेक, श्वेता, ऑलरेडी लॉट ऑफ आंसर्स, ऑल गोइंग विद एक्सरे, बिल्कुल सही। एक्सरे की डिस्कवरी करी थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1895 के अंदर, और 1901 में सबसे पहला फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें 1901 के अंदर, राइट? वंडरफुल, और ये इसी के लिए मिला था, एक्सरे की डिस्कवरी के लिए ही दिया गया था। घड़ी का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द वॉच? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वॉच? इस डिस्कवरी 1895 की है और नोबेल पुरस्कार 1901 का है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? एनी वन, एनी गेस? सागर, शिवानी, अभिषेक, अंशुल, क्विकली आंसर। ध्रुव, राहुल, रश्मि, ऑल राइट, वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन बी, अंतिमा, ऑल राइट, आंसर इसका होगा A.L. Breguet, ऑप्शन थ्री। A.L. Breguet है जो अपने टाइम पे सबसे सक्सेसफुल माने जाते थे घड़ी बनाने के करियर में, और ये कहाँ के थे? ही वॉज ऑफ फ्रांस, राइट, इन्वेंटर ऑफ वॉच। कंप्यूटर का इन्वेंशन, चलो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। जब से कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज इन्वेंट किया गया है, कंप्यूटर साइंस आप लोगों के स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से पढ़ा रहे हैं, तो ऑल ऑफ यू शुड नो द आंसर टू दिस नाउ। चलिए, सुकृत, सागर, प्रिंस, अंकुर, अंतिमा, सुदीप, लॉट ऑफ आंसर, सपना, कुलदीप, वंडरफुल, दैट इज चार्ल्स बैबेज, बिल्कुल सही। चार्ल्स बैबेज वॉज द इन्वेंटर, और इन ये जो इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटिंग या कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, इनमें से क्या है जिसकी खोज जैकरिस जॉनसन ने करी थी? जैकरिस जॉनसन के द्वारा इनमें से किसकी खोज की गई थी? ही वॉज इन्वेंटर ऑफ व्हाट? साइंस के स्टूडेंट्स, दे मस्ट डेफिनेटली नो द आंसर्स। किस चीज की डिस्कवरी थी? इनमें से किसकी डिस्कवरी करी थी जैकरिस जैनसन ने? शिवानी, ध्रुव, सागर, सुकृत, ऑल राइट, विद ऑल आंसर्स फॉर माइक्रोफोन, सबका आंसर माइक्रोफोन है, एंड द राइट आंसर इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी
एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो अब यूज करते हैं हम लोग लैब में, उसकी भी डिस्कवरी, टेलीस्कोप की डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी, ही वॉज द डिस्कवर, राइट। तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तीनों की डिस्कवरी थी। नेक्स्ट, इनमें से किसने टेलीग्राफ को का आविष्कार किया? टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय होम? टेलीग्राफ का फैसिलिटी इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से किसके द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द टेलीग्राफ? ऑप्शन थ्री, क्विक आंसर, जल्दी से। अभिषेक, कैलाश, ध्रुव, सुकृत, राहुल, अंतिमा, रमेंद्र, श्वेता, ध्रुव। वंडरफुल, वी हैव आंसर्स ऑल गोइंग विद ऑप्शन थ्री, गैलीलियो, बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी पैवल शिलिंग। पैवल शिलिंग थे जिन्होंने टेलीग्राफ की डिस्कवरी करी थी, जर्मनी के डिप्लोमेट थे, और इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डिस्कवर किया था 1831, 1831 के अंदर, राइट। टेलीग्राफ मैसेज वॉज बाय पैवल शिलिंग, जो जर्मनी के थे, जर्मन डिप्लोमेट थे। नाउ, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, अ वेरी इजी क्वेश्चन, कि इनमें से किसके द्वारा आविष्कार किया गया था इलेक्ट्रिक लाइट लाइट बल्ब का? ना, सुप्रेत, कार्तिक, सागर, तिलोक, जल्दी से। थॉमस, ऑप्शन ए, सबका आंसर बिल्कुल सही, थॉमस एडिसन बीइंग द राइट आंसर। थॉमस एडिसन जो है, उन्होंने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की, कब करी थी? 1879 में डिस्कवरी करी थी। और सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया किसने था? दैट इज गोइंग टू बी हम्फ्री डेवी। हम्फ्री देवी, इन्होंने सबसे पहला बनाया था इलेक्ट्रिक बल्ब 1800 के अंदर। फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट है, हम्फ्री डेवी इज द वन जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट की डिस्कवरी करी थी 1800 में, और फिर उसका बल्ब बनाया 1879 में थॉमस एडिसन जी ने। नेक्स्ट, स्टीम इंजन किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? स्टीम इंजन का आविष्कार करता इनमें से कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन? ऑलराइट, महेश, कैलाश, मानचू, ऑलराइट, वंडरफुल आंसर। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो ऑल ऑफ यू, सागर, अमीश, दिलोक, कार्तिक, ऑलरेडी लॉट ऑफ आंसर्स। जेम्स वॉट, वेरी इजी, पहले से पढ़ते आए हैं, दैट इज राइट। जेम्स वॉट इज द वन जिन्होंने स्टीम इंजन की डिस्कवरी करी थी। टेलीविजन का आविष्कार करता कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन? टेलीविजन के आविष्कार करता कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड टेलीविजन, इन्वेंटेड टेलीविजन? गुंजन, मोहित, हिमांशु, ऋषि, अंतिमा, इला, रश्मि। ऑल राइट, वी हैव आंसर्स, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, एंड दैट इज गोइंग टू बी जे.एल. बैड, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। जे.एल. बैड ने 1925, 1925 के अंदर टेलीविजन की डिस्कवरी करी थी। पीरियोडिक टेबल, ये तो ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? अपना पहला पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा तैयार किया गया था? सबसे पहले किसने लगाया था? श्री, त्रिलोक, अभिषेक, ध्रुव, सागर, सुकृत। ऑल राइट, वी हैव ऑल आंसर। दिमित्री, बिल्कुल सही, दिमित्री मेंडलीव, दैट इज राइट आंसर। दिमित्री मेंडलीव ने 1893 के अंदर सबसे पहले पीरियोडिक लॉ तैयार किया, जिसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को अपनी जगह पर रखा और सबसे पहली पीरियोडिक टेबल बनाई थी। नेक्स्ट, टेलीफोन की डिस्कवरी, वी हैव आई गेस ऑलरेडी सीन, टेलीफोन की डिस्कवरी
Who among the following discover telephone? Again, a very easy question. All of you must know the answer for this one. सभी को आंसर पता होगा. टेलीफोन की डिस्कवरी किसने करी थी? Among the following, who was the inventor of telephone? Yes, modern periodic table Henry Moseley का था and first periodic table Mendeleev का था. Mendeleevian. ऑल राइट, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए मोस्ट आर गोइंग विद ऑप्शन ए. बिल्कुल सही आंसर. जिन्होंने भी ऑप्शन ए बोला, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. बिल्कुल सही, टेलीफोन की डिस्कवरी. और इसके लिए इनको पेटेंट फाइल किया था उन्होंने 1876 के अंदर. नेक्स्ट, राइट ब्रदर्स ने इनमें से किसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी खोज करी थी? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन. राइट ब्रदर्स ऑर्विल राइट एंड विल्बर राइट, ये ब्रैकेट में जो नाम है ऑर्विल और विल्बर, ये राइट ब्रदर्स है. तो ऑर्विल राइट एंड विल्बर राइट, इन दोनों ने इनमें से किसकी खोज करी थी? एरोप्लेन, एयरप्लेन. बिल्कुल सही, लेखपाल. चलो सागर. और लॉट ऑफ आंसर्स, वंडरफुल, ऑल गोइंग विद द राइट. एयरप्लेन की डिस्कवरी करी थी. माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने करी थी? अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की खोज इनमें से सबसे पहले किसने करी थी? राहुल, महेश, सुप्रीत, ध्रुव, कार्तिक, वंडरफुल, सुंदर, वर्मा, ऑल इंडिया, अंतिमा, नसरी. ऑलरेडी लॉट ऑफ आंसर्स, ऑल गोइंग. ऑलराइट, बी द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन गोज फॉर फेडरिको फैगिन. बिल्कुल सही, ऑप्शन टू. फेडरिको फैगिन जो है, इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रो प्रोसेसर 1968 के अंदर. इन्होंने इसको तैयार किया था 1968, इट वॉज क्रिएटेड. नेक्स्ट, ब्रोके वॉज इन्वेंटेड, ब्रोके ने इनमें से किसकी खोज करी थी? ब्रोके किसके खोज करता है? ब्रोके वॉज द डिस्कवरर ऑफ वॉट? श्वेता, अंशुल, राहुल, क्विकली आंसर ऑल ऑफ यू. ब्रोके ने इनमें से किसकी खोज करी थी? ऑल राइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो पहले राइट ब्रदर्स के साथ गए थे, दैट इज हेलीकॉप्टर. कुछ बच्चे तो बोल रहे थे द हेलीकॉप्टर की डिस्कवरी जो है, इन्वेंशन, आविष्कार, वो ब्रोके ने किया था. वेयर एज सबसे पहला फर्स्ट हेलीकॉप्टर तैयार किसने किया था? दैट वाज पॉल कॉर्नू. पॉल कॉर्नू जो है, उन्होंने सबसे पहला हेलीकॉप्टर तैयार किया था 1907 के अंदर. राइट, नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप इनका आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इन्वेंटर ऑफ स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप? 1816 के अंदर बनाया गया था. इनमें से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज इट? सुकृत, अंशुल, कैलाश, अंशुमन, अभिषेक, कार्तिक, सागर, सपना. ऑलरेडी लॉट ऑफ आंसर्स. And इसका सही आंसर, मोस्ट ऑफ यू गोइंग विद ऑप्शन थ्री, डेव हायट. एंड द राइट आंसर इज रेने लेनेक. रेने लेनेक इज द वन जिन्होंने 1816 के अंदर स्टेथोस्कोप की खोज करी थी. ईमेल की खोज, ईमेल किसने बनाया था? ईमेल का फैसिलिटी इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था? Who among the following invented email? इनमें से किसने ईमेल का आविष्कार किया था? We all use it every day. तो कौन सा सही आंसर होगा इसमें से? ईमेल का आविष्कार, आविष्कार करता कौन है? सागर, अभिषेक, अंकुर, सुकृत, महावीर, जतिन. ऑल राइट, वी हैव आंसर्स. पीयूष, अर्जुन, वंडरफुल, वी हैव लॉट ऑफ आंसर्स. फर्स्ट और थर्ड के बीच में कंफ्यूजन है. थोड़ा सा नीचे फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं. इंडियन थे जिन्होंने इन्वेंट किया था, शिवा आयुध राय. शिव वी ए शिवा आयुध राय एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इंडियन ओरिजिन के. ही वॉज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, शिवा आयुध राय, जिन्होंने 1971 में ईमेल की खोज करी थी. नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो? रेडियो का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था सबसे पहले? आविष्कार करता कौन है रेडियो का?
नारसी शिवम आंसर्स क्विकली, रेडियो का आविष्कार करता कौन है? 1895 में बनाया गया था रेडियो, एंड जी मैकरोनी। और मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद मार्कोनी, दैट इज राइट। मार्कोनी, दैट वाज गिलीमो मार्कोनी या जी मार्कोनी, उन्होंने 1895 के अंदर डिस्कवर किया था रेडियो। वर्ल्ड वाइड वेब, ये अगेन कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस में है। कंप्यूटर साइंस तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, तो जल्दी से आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड? या मैक्रोनीज पास्ता, यस मजलोक, सागर, सनी, अभिषेक। स्कूल में सर ने बहुत पढ़ाया, फिर तो याद रहना चाहिए। कार्तिक, लोग, अमीश, लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग इन फॉर ऑप्शन ए, दैट बीइंग राइट, सर टिम बर्नर्स ली ने खोज करी थी 1989 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब की। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेक्निक ऑफ एक्सरे कंप्यूटेड टोपोग्राफी, एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी के तकनीक इनमें से किसके द्वारा विकसित की गई थी? एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी इनमें से किसके द्वारा तैयार की गई थी, खोज की गई थी? अरे अंत, राहुल, सोनू, अंतिमा, अनारसी, सुकृत, अंशुल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हाउंसफील्ड, गॉडफ्रे हाउंसफील्ड जो है उन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एंटीबायोटिक बेंजिल पेनिसिलिन, बेंजिल पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन की डिस्कवरी या खोज इनमें से किसने करी थी? बेसिक साइंस क्वेश्चन है अगेन। कार्तिक, नारसी, अभिषेक, सागर, ध्रुव। लॉट ऑफ आंसर्स, वंडरफुल वंडरफुल, ऑल राइट। ऑप्शन ए और डी के बीच में कंफ्यूजन, डी बीइंग राइट। एलेक्सेंडर फ्लेमिंग इज द वन जिन्होंने बेंजिल पेनिसिलिन की खोज करी थी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के तौर पे किसे बोला जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? इनमें से कौन है जिसे एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के तौर पे जाना जाता है, नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? ऑल राइट, आंसर्स फॉर ऑप्शन बी और सी, बी और सी के बीच में ज्यादातर कंफ्यूजन है। लिस्टर बीइंग द राइट आंसर, जोसेफ लिस्टर इज द वन जिन्होंने जिन्हें बोला जाता है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। फिलिक्स हॉफमैन ने इनमें से क्या तैयार किया था? फिलिक्स हॉफमैन को इनमें से किस चीज को बनाने के लिए जाना जाता है? इसे हेरोइन के नाम से बहुत फेमस किया गया था। इट वाज अंडर द ट्रेड नेम हेरोइन, एंड दैट इज समथिंग जो हम लोग बहुत यूज भी करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट बीइंग एस्पिरिन। एस्पिरिन की सिंथेसिस या इसको बनाया था, संश्लेषण किया था फिलिक्स हॉफमैन ने। जर्मन साइंटिस्ट थे, ही वाज ऑफ जर्मनी, जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इसे भेजा था अंडर द ट्रेड नेम ऑफ एस्पिरिन। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो एडवर्ड जेनर के द्वारा तैयार की गई थी 1798 के अंदर? एडवर्ड जेनर ने इनमें से कौन सी वैक्सीन बनाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, में से कौन सा टीका है जो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था? क्विक आंसर्स, पढ़ा हुआ है ये भी, यू रेड इट समवेयर और द अदर। श्वेता, अभिषेक, अंशुल, सुकृत, ऑल राइट। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन सी, ऑप्शन फोर। राइट आंसर इज गोइंग टू बी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की खोज के लिए एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। 1798 में इन्होंने टीका तैयार किया था स्मॉल पॉक्स का। एंथ्रैक्स और रेबीज का टीका इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था? एंथ्रैक्स का टीका और
रेबीज का टीका, ये दोनों इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था और वो कहाँ के थे? फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। कौन थे? अर्जुन, ध्रुव, अभिषेक, अंतिमा, सपना, लेखपाल, सागर। वंडरफुल, वी हैव आंसर्स ऑप्शन 4 डी। ऑल राइट, आंसर लुई पैस्चर। लुई पैस्चर है फ्रेंच केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, और उन्होंने तैयार किया था एंथ्रेक्स और रेबीज का टीका। जॉनस ईसाक ने इनमें से किस टीके की खोज करी थी? ही डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? जॉनस एडवर्ड सॉक जो है उन्होंने डिस्कवर किया था टीबी का वैक्सीन। I'm so sorry, टीबी नहीं, पोलियो का। I'm so sorry about that, पोलियो का वैक्सीन। All right, पोलियो वैक्सीन वाज क्रिएटेड बाय जॉनस ई सॉक। ट्यूबरक्यूलोसिस का वैक्सीन किसने बनाया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द वैक्सीन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस? टीबी का किसने बनाया था? जल्दी से, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द वैक्सीन अगेंस्ट टीबी? ऑलराइट, वी हैव आंसर्स फॉर दैट बीइंग एल्बर्ट कैलमेट। एल्बर्ट कैलमेट जो है उन्होंने ट्यूबरक्यूलोसिस का पहला वैक्सीन बनाया था। All right, the last one for the day, who discovered blood circulation? रक्त परिसंचारण की खोज किसने करी थी? Who among the following had discovered the thing about blood circulation? ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? रक्त परिसंचरण का कॉन्सेप्ट किसका है? Who among the following had brought this concept? सुकृत, सुदीप, आशुतोष, ऑल ऑफ योर आंसर्स फॉर ऑप्शन ए और डी। ए और डी में ज्यादा कंफ्यूजन है। विलियम हार्वे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। विलियम हार्वे इज द वन जिन्होंने हार्ट के फोर वॉल्स बताए और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वेंट्रिकल कैसे ब्लड जाता है, aorta का कॉन्सेप्ट, ये सारा यही लेके आए। राइट, नाउ Seeing our time getting up, we'll be winding up the session over here. Next session अब हमारा होगा मंडे को। कल कोई सेशन नहीं है, संडे वी हैव एन ऑफ। मंडे को सेशन होगा, 3 बजे वाला भी होगा और 9 बजे भी होगा, 9 PM भी होगा। PDF आप लोगों को सफलता के ऐप पर भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, दैट इज यू कैन सर्च आशिमा_शुक्ला। राइट, तो यहाँ आप लोगों से मिलते हैं मंडे को। टिल देन गुड लक विद योर प्रिपरेशन ऑल ऑफ यू। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।